दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाने यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित आपको वीडियो मिलेगी और आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग के बारे में आपको जो वीडियो मिल जाएगी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक से एक तक वीडियो आप मिलने वाला है और आपको यूट्यूब के बारे में जो आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। हाय गाइस, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका एक्स मनाने यूट्यूब चैनल में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर जॉब करना चाहते हैं, यूट्यूब पर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं या यूट्यूब पे आप पहले से काम कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे 10 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपका चैनल जो है प्रोग्रेस करेगा, आप यूट्यूब पर जो है कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप काम करना चाहें तो यहाँ पे जो सैलरी होगी गवर्नमेंट की सर्विस से जो है बहुत ही अधिक होगी, उससे 10 गुना लगभग अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है यूट्यूब की जो कमाई होती है, इस कमाई का जो है कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है आप जो है अपना टैलेंट दिखा सकते हैं दुनिया के सामने, आप अपने जो है टैलेंट को शेयर कर सकते हैं। आपके अंदर में कोई भी टैलेंट है, मान के चलिए अगर आप गायक हैं या आप डांसर हैं और या आप कॉमेडियन हैं, आप जो भी हैं, आप उसी तरीके से जो आप अपने चैनल को बना सकते हैं, आप अपने अंदर का जो भी टैलेंट है आप दुनिया के सामने आप जो है शेयर कर सकते हैं। और इसके बदले में YouTube क्या करेगा कि YouTube जो है आपको जो है इसका जितना भी कमाई होगा आपके वीडियो का, और उस वीडियो की जो 55% कमाई होगी वो आपके खाते में दिया जाएगा और मात्र जो है 45% ही जो है YouTube अपने पास रखता है। तो दोस्तों YouTube की जो कुछ कमेंट्री गाइडलाइंस है और उसके रूल्स के हिसाब से ही आपको यहाँ पे चलना होगा। और आप अगर सोचेंगे कि मैं कोई यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपनाऊंगा और YouTube पे कामयाब हो जाऊंगा, फिर तो ये जो YouTube का प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए नहीं है, फिर आप यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप YouTube पर जॉब करना चाहते हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहें तो मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो एडिटिंग सिखा सकता हूं और YouTube के बारे में जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं YouTube के बारे में कि अगर आप YouTube पर काम करना चाहेंगे और आपने अगर YouTube पर चैनल बना लिया है या बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि YouTube पर आप जो अपने चैनल का जो नाम रखेंगे तो वो चैनल का जो नाम आपका होगा वो किसी और YouTube चैनल के नाम से जो है आपका चैनल का नाम मैच नहीं करना चाहिए। और मान के चलिए अगर आपने चैनल बना लिया है और आपका चैनल का नाम जो है किसी और दूसरे चैनल से मैच कर रहा है, तो आप अपने YouTube चैनल की जो नाम को जो है वो चेंज कर सकते हैं। YouTube के अंदर में जो ऐसा ऑप्शन है कि आप 3 महीने में जो है एक बार अपने YouTube चैनल का जो नाम चेंज कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे आपसे कि अगर आप YouTube चैनल पर जब भी अपना कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो वीडियो जो आपका निजी वीडियो होना चाहिए, वो आपका अपना कॉन्टेंट होना चाहिए, किसी दूसरे का वीडियो नहीं होना चाहिए। और उस वीडियो के अंदर में जो भी आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे तो वो आपका जो अपना म्यूजिक होना चाहिए या फ्री म्यूजिक को यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, फ्री म्यूजिक जो है आपके YouTube चैनल के अंदर में ही, आपके YouTube चैनल पेज के अंदर में ही जो है फ्री म्यूजिक आपको मिल जाता है। वहाँ से आप अपने फ्री म्यूजिक को डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं, आप जो है अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ये ध्यान रहे कि आप जब भी अपने वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब चैनल पर, तो आप जो वहाँ पे टाइटल लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तो आप जो भी लिखेंगे तो आपके वीडियो से रिलेटेड होनी चाहिए। यानी आपका वीडियो जिस आधार पर बनाया गया है उसी आधार पर आपके वीडियो का जो है टैक्स होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों बात हो गई टैक्स की, टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, चलिए अब बात करते हैं थंबनेल की कि दोस्तों आपको थंबनेल कैसा यूज करना है। थंबनेल में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे मान के चलिए आपका वीडियो जिस आधार पर बनाया गया है उसी आधार पर आपका थंबनेल होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वीडियो एक छोटे से सांप के अंदर में है और आपने थंबनेल में जो है बहुत बड़ा सांप लगा दिया है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो होगा ये कि पब्लिक को ये लगेगा कि भाई इसके अंदर में बहुत बड़ा सांप होगा, और जब वो आपके उस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद उस वीडियो को वो थोड़ा सा देखने के बाद उस वीडियो को वो क्लोज कर देंगे, और जब वो उस वीडियो को क्लोज कर देंगे उसके बाद क्या होगा कि आपकी वीडियो का जो है वॉच टाइम नहीं बनेगा, और जब आपकी वीडियो का वॉच टाइम नहीं बनेगा तो यूट्यूब क्या करेगा, उस वीडियो को जो है आपके जो उस वीडियो को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और आपको ईमानदारी के साथ काम करना है। तो दोस्तों नंबर 4 पे हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप जब भी अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप जो है टाइटल डालते हैं, टेक्स्ट डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ठीक है, उसके बाद थंबनेल डालते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं, उसमें आप चालाकी ये करते हैं कि आप जो टेक्स्ट डालते हैं वहाँ पे, तो जब आप वहाँ पे टेक्स्ट डालते हैं तो आप करते क्या है कि आप वहाँ पे बहुत ज्यादा ही टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 5 से 10 के बीच में ही आपको टेक्स्ट डालना है। इससे अधिक अगर आप टेक्स्ट डालेंगे तो YouTube क्या करेगा, आपके चैनल को जो है फिल्टर करेगा, आपके चैनल को फिल्टर करने के बाद वो आपके जो चैनल का डिस्कवरी जो है उसे वो बंद कर देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे पूछेंगे डिस्कवरी क्या होता है, तो चलिए दोस्तों मैं बता दूँ डिस्कवरी क्या होता है। दोस्तों डिस्कवरी ये होता है कि मान के चलिए अगर कोई सब्सक्राइबर अगर यूट्यूब पर चैनल को सर्च कर रहा है, किसी और चैनल को सर्च कर रहा है, किसी और की वीडियो को सर्च कर रहा है, लेकिन आपके चैनल को वो सर्च नहीं किया, आपकी वीडियो को वो सर्च नहीं किया, किसी और चैनल को वो सर्च किया, लेकिन फिर भी जो है आपका जो है वीडियो वहाँ सर्च में जो है उसके लिस्ट में जो है वहाँ पे आ जाता है, उसी को कहते हैं डिस्कवरी। दोस्तों अगर आप गलत टेक्स्ट डालेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा, आपके चैनल को फिल्टर करेगा और आपके चैनल का डिस्कवरी बंद कर देगा। इससे क्या होगा कि आप कभी भी जो है अपने यूट्यूब चैनल पर कितनों भी वीडियो डाल लें लेकिन आपका चैनल जो कभी भी प्रोग्रेस नहीं करेगा।
तो दोस्तों नंबर पांच पे हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जब भी आप चैनल बनाते हैं तो आप करते क्या हैं कि आप चैनल बनाते हैं जैसे वैसे ही आप अपने चैनल के बारे में अपने यार दोस्त अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि भाई मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने चैनल के बारे में किसी को भी नहीं बताना है कि आपके यार दोस्त जो है आपके वीडियो को ज्यादातर देखेंगे नहीं और इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो नंबर छह पे हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि अगर आप जब भी अपने YouTube चैनल को अपने मोबाइल पर ओपन करते हैं और क्या करते हैं कि आप अपने वीडियो को खुद ही देखते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने वीडियो को नहीं देखना है, ठीक है, किसी भी हाल में आपको अपने वीडियो को जो है नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप अपने वीडियो को देखेंगे तो आपके YouTube चैनल पर जो रीडिंग पेज होता है उस रीडिंग पेज पर जो है आपका वीडियो का जो रीडिंग जो है टाइम जो है वो उठ जाएगा और इससे क्या होगा कि एडसेंस अकाउंट जो होगा आपका जो आपके YouTube चैनल से एडसेंस अकाउंट लिंक होगा उस एडसेंस अकाउंट का जो है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा 3 महीने के लिए, या तक है कि आपके एडसेंस अकाउंट को जो है परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए। आपको अपना वीडियो खुद नहीं देखना है, यानी आपको अपने चैनल की वीडियो किसी कीमत पे भी आपको भूल से भी आपको नहीं देखना है, क्योंकि YouTube जो है कोई भी गलती जो है यूट्यूबर को माफ नहीं करता। तो नंबर सात पे हम आपको यहाँ बताते हैं कि आप जब भी अपने वीडियो में थंबनेल लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि थंबनेल में आपको जो है अपना पर्सनल इमेज यूज करना है, किसी दूसरे का इमेज यूज नहीं करना है। आप इमेज यूज कर सकते हैं, अगर आपको किसी फ्री वेबसाइट से अगर आपको इमेज मिलता है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने थंबनेल में यूज कर सकते हैं, अपने वीडियो में लगा सकते हैं। आपको किसी के दूसरे का थंबनेल आपको यूज नहीं करना है, किसी का इमेज आपको यूज नहीं करना है। दोस्तों नंबर आठ में मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप जब भी चैनल बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि आप दूसरे चैनल वालों को कमेंट करते हैं कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बदले में मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, और आपके चैनल पर मान के चलिए कोई दूसरा चैनल वाला अगर आपको कमेंट कर दिया है भाई मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, आप बदले में जो है मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, तो दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, उसके कमेंट को आपको तुरंत डिलीट कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं जो स्पैम में आता है दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे यूट्यूब आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं देगा, डायरेक्टली आपके चैनल को बंद कर देगा। तो नंबर 9 पे हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल के प्रोग्रेस के बारे में कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करेगा, कैसे आप कामयाब हो पाएंगे यूट्यूब पे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट आए थे हमारे कि भाई मैंने जो 3 महीने पहले चैनल बनाया, कोई कहता था मैं 6 महीने पहले चैनल बनाया लेकिन मेरा चैनल जो है प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेरे चैनल को लोग लाइक नहीं कर रहा, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, इसका क्या कारण है। आप यूट्यूब पर कुछ ऐसा कुछ करें जो कि बिल्कुल यूट्यूब पर उपलब्ध ना हो, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यूट्यूब चैनल पर ऐसा वीडियो अपलोड करें जो कि मतलब यूट्यूब पर पहले से मौजूद ना हो। कि आप वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर वो आपका जो है बिल्कुल कुछ नया होना चाहिए, और ताकि मतलब अगर कोई पब्लिक सर्च करता है पूरी दुनिया के अंदर में वीडियो को और वो वीडियो अगर जो आपने बनाया है वो वीडियो यूट्यूब पर है नहीं पहले से, और कोई भी अगर इंसान अगर सर्च करता है उस वीडियो को तो ऑटोमेटिक आपका वीडियो ही सर्च में जाएगा, और जब आपका वीडियो सर्च में जाएगा और जब उसे वॉच करेगा, उसे देखेगा, उसे अगर अच्छा लगेगा तो वो जरूर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों नंबर 10 पे हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग 10,000 व्यूज पाने के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग जो है शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। तो दोस्तों शॉर्टकट तरीका क्या होता है? शॉर्टकट तरीका ये होता है, जैसे मान के चलिए आपके अगर फेसबुक में या व्हाट्सअप में कोई वीडियो वायरल मिला आपको और उस वीडियो को आप डाल देते हैं और आप ये सोचते हैं कि जल्दी से मेरा 10,000 व्यूज पूर जाएगा और मेरा मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। दोस्तों यूट्यूब इतना बेवकूफ़ नहीं है, दोस्तों मैं बता दूँ यूट्यूब जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है। यूट्यूब जो है जब भी आपके चैनल को जो है पार्टनर प्रोग्राम में जब शिफ्ट करेगा, ठीक है, जब आपके चैनल को वेरीफाई करेगा तो वो आपके चैनल को देखेगा अच्छी तरह से, पूरी तरह से, कि आप जो अपने चैनल पर जो भी वीडियो डाले हैं शुरू से अब तक वो वीडियो आप ही का है या किसी और का है। अगर YouTube को अगर ऐसा लगेगा नहीं ये वीडियो जो है इसके चैनल का नहीं है, ये किसी और चैनल का वीडियो है, तो YouTube कभी भी जो है आपके चैनल का जो है वेरीफाई नहीं करेगा। YouTube जो है आपको अपने पार्टनर प्रोग्राम में शामिल नहीं करेगा, वो आपके चैनल को रिजेक्ट कर देगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर आपका 2,00,000 व्यूज भी अगर पूर जाएगा फिर भी YouTube जो है आपके चैनल को वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि YouTube जब किसी चैनल को वेरीफाई करता है तो उस चैनल को पूरी तरह से वो देखता है कि ये चैनल कब बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, इसमें कौन कौन सी वीडियो शुरू से अब तक डाला गया है, कौन सी वीडियो को डिलीट किया गया है, ठीक है, वो आपके कैरेक्टर को देखेगा पूरी तरह से, तभी आपके चैनल को वो जो है वेरीफाई करेगा और अपने पार्टनर प्रोग्राम में वो आपको शामिल करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं YouTube के बारे में और भी वीडियो बनाऊँ और आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि हाँ आपको YouTube के बारे में जानना है और आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो गाइस हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I.